हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में आपका लेसन 9 बल तथा दाब कारण बताए थे, इसी के साथ ही आपका प्रश्न चैप्टर खत्म हुआ। आज आपको लेसन 10 चुंबक तथा विद्युत, इसके बारे में हम पुस्तक की रीडिंग करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और दो एक दिन में ही आपकी रीडिंग समाप्त हो जाएगी। चलिए, मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, जब दो वस्तुएं हैं और एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो उनमें बल उत्पन्न हो जाता है। कुछ बलों में बिना आपसी संपर्क के ही संपर्क आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। समान वस्तुओं में प्रतिकर्षण तथा असमान में आकर्षण होता है। वस्तुओं का यह गुण चुंबकत्व कहलाता है। जब दो वस्तुएं असमान ध्रुव की होकर के एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, चिपक जाती हैं, तो ये आकर्षण बल होता, इस बल को चुंबक का चुंबकत्व कहते हैं। कुछ बलों को बिना भौतिक संपर्क के उत्पन्न होने के उदाहरण, नंबर एक है कि चुंबकीय बल, जिसके द्वारा चुंबक एक दूसरे को तथा धात्विक वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये भौतिक उदाहरण। दूसरा है, जब हम किसी वस्तु को ऊंचाई से छोड़ते हैं तो वह पृथ्वी के आकर्षण बल द्वारा नीचे गिर जाती है, न्यूटन का नियम लग रहा है। जब हम कोई भी वस्तु को ऊंचाई पर गिराते हैं तो पृथ्वी पर एक आकर्षण बल, क्या नाम है उस बल का? जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो वस्तु ऊपर से गिराए गए नीचे पृथ्वी की ओर खिंचती हुई चली आती है। अब आते हैं चुंबक, लोडस्टोन। क्या है ये लोडस्टोन? जानते हैं कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान देश के लोग काले पत्थर से एक प्रकार का जादू दिखाया करते थे, चमत्कार दिखाया करते थे। क्या चमत्कार किया है? जो पत्थर था यह माइनर एशिया, एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक शहर में पाया जाता था। यूनान देश का था, एशिया के माइनर के मैग्नीशिया शहर में यह पत्थर पाया जाता था। इस शहर में मिलने के कारण, इस मैग्नीशिया शहर में इस काले पत्थर का मिलने के कारण इसका नाम मैग्नेटाइट पड़ा। मैग्नेटाइट को इंग्लिश में मैग्नेट और हिंदी में चुंबक कहते हैं। इंग्लिश में मैग्नेट और हिंदी में चुंबक कहते हैं। इसमें क्या गुण थे, इस पर आते हैं कि चुंबक में गुण था कि यह लोहे की किसी भी प्रकार की वस्तु को अपनी ओर खींच लेता था, या लोहे की वस्तु की ओर ही खींचता चला जाता। इस पत्थर को गुरुत्व केंद्र से यानी पृथ्वी का स्वतंत्रता पूर्वक लटवाने से यह उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा स्थिर हो जाता था, इसलिए इस गुण के कारण इसको दिशा बताने वाला पत्थर भी कहा जाता। यह दिशा लोड स्टोन क्यों कहलाया? क्योंकि इसके उत्तरी सिरे में लोड स्टार होता था, जिस पर इस पत्थर का टुकड़ा केंद्रित हो जाता था, इसलिए उस लोड स्टोन के आधार पर इस पत्थर का नाम लोड स्टोन पड़ा। चुंबक दो प्रकार के, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक चुंबक, दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से कौन सा पत्थर पाया जाता है? मैग्नेटाइट। तो स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले पत्थर को हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, उदाहरण है मैग्नेटाइट। और कृत्रिम चुंबक जो मानव निर्मित होते हैं,
जो चुंबक प्राकृतिक गुण से युक्त होता है, यानी गुण तो प्राकृतिक है क्या कि लोहे को वस्तु को अपनी ओर खींचना, उसका उत्तर दक्षिण सिरा सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर स्थित हो जाना, ये आपका क्या है चुंबक का गुण है। तो इसके जो चुंबक प्राकृतिक गुणों से युक्त होता है परंतु उसे कृत्रिम विधि से द्वारा निर्मित किया जाता है, मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, उस चुंबक को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जैसे स्टील, लोहे, कोबाल्ट, निकिल आदि से बने चुंबक ये कहलाते हैं। गोल चुंबक होते हैं, छड़ चुंबक होते हैं, यू चुंबक होते हैं, कई प्रकार डायनामो में चुंबक का प्रयोग। प्राकृतिक चुंबक को इच्छा अनुसार आकार नहीं दिया जा सकता है परंतु कृत्रिम चुंबक को इच्छा अनुसार आकृति और आकार में बनाया जा सकता है तथा ये प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते हैं। चुंबक की खोज लगभग सन 1600 ईसा में विलियम गिल्डर ने की थी। आजकल चुंबकों का उपयोग विद्युत उत्पादनों में किया जाता है, जैसे विद्युत घंटी है, गाड़ी डायनामो में किया जाता है, जनरेटर में किया जाता है, विद्युत उत्पादन में टीवी टेलीविजन में लगा जाता है, टेलीविजन का स्पीकर जो होता है उसके पीछे चुंबक लगा होता है ध्वनि को केंद्रित करने के लिए। विद्युत चालित अनेक मशीनें हैं, जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन, फ्रिज है, मोटर है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, इन सभी में विद्युत चुंबक का आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से उपयुक्त चुंबक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब ये था आपका चुंबक के प्रकार। अब कौन सी चीजें चुंबक की ओर आकर्षित होती है और कौन सी चीजें चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती हैं, इस पर आते हैं। तो इसको कहते हैं जो वस्तुएं, जो पदार्थ चुंबक के द्वारा आकर्षित किए जाते हैं या चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये पदार्थ कृत्रिम रूप से चुंबक में बदले जाते हैं, जैसे कि लोहा, निकिल, कोबाल्ट, मिश्र धातु, ये सभी चुंबकीय पदार्थ हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, प्रतिकर्षित होते, उसमें चुंबकत्व का कोई भी गुण नहीं होता है, ऐसे पदार्थ को हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लकड़ी, कागज, रेत, कांच, पत्थर, प्लास्टिक और एल्युमिनियम, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये सभी चीजें अचुंबकीय पदार्थ हैं। चुंबक के गुण, चुंबक के गुण, इसको सबसे पहले विलियम गिल्बर्ट ने अध्ययन किया था और लगभग 17 वर्ष के अध्ययन के बाद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला और अपनी पुस्तक द मैग्नेट में चुंबक के गुणों के बारे में बताया। पहला गुण था कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के दोनों सिरे ही उसके उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव होते हैं और चुंबक के इन ध्रुवों पर चुंबकीय बल सबसे अधिक होता है। चुंबक का जो भी बल होता है वो इस केंद्र पर ज्यादा होता है, नॉर्थ और साउथ ध्रुव पर सबसे बीच में उतना चुंबकीय बल कम होता है। दूसरा है कि चुंबक समान ध्रुव के चुंबक जो होते हैं वो जिनके समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, नंबर दूसरा पॉइंट है। तीसरा है चुंबक सदैव गति करने के लिए उत्तर दक्षिण दिशा पे ही ठहरता है, ये तीसरा गुण बताया था विलियम गिल्बर्ट ने कि चुंबक सदैव गति करने के लिए उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, इसलिए इसे
दिशा सूचक चुंबक भी कहा जाता है। मुख्य रूप से गति करते हुए चुंबक का जो सिरा उत्तर की ओर होता है वह चुंबक का उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिण की ओर होता है वह दक्षिण ध्रुव कहलाता है। चौथा और अंतिम बिंदु है कि चुंबक के उत्तरी व दक्षिण ध्रुव को कभी अलग अलग नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी क्षण चुंबक है जिसमें नॉर्थ और साउथ है। अगर इसको बीच से काट दे तो ये फिर भी नॉर्थ ही साउथ ही रहता है, कभी भी साउथ साउथ या नॉर्थ। इसको बीच से कट करते हैं, काट देते हैं या तोड़ देते हैं तो भी ये नॉर्थ साउथ में ही हमेशा विराजमान रहता है। इसके उसको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। काटने पर ये हमेशा छोटे टुकड़ों में विभाजित होता चला जाता है, लेकिन तो चुंबक के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। बड़ा क्षण चुंबक लीजिए, बीच से तोड़ दीजिए, फिर भी वो एनएस बने रहेंगे, फिर उनको तोड़ दीजिए, फिर एनएस होगा, फिर तोड़ दीजिए, छोटा से छोटा टुकड़ा भी होता चला जाएगा, उसके दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव उसी तरह उपस्थित रहेंगे, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। विलियम गिल्बर्ट ने ये चार गुण बताए हैं, इसको आप वीडियो के माध्यम से पुस्तक रख करके सामने तब रीडिंग करें, देखें और समझें। थैंक यू।